नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनेत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर्यावरण संगोष्ठी में शामिल हुए। भोपाल में आयोजित देश का पहला राज्य स्तरीय प्री सीओपी कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कॉन्वेंशन सेंटर पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यक्रम में वैश्विक प्रयास, भारत की प्रतिबद्धता को लेकर राज्य के योगदान विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स, शासकीय अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस मौके पर सीएम यादव ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। हमारी सरकार पर्यावरण के लिए खास ध्यान दे रही है, प्रकृति के साथ जीने और प्रकृति के साथ बड़े बड़े कीर्तिमान भी बना रही है, बड़े बड़े चीजों को विकसित किया जा रहा है। दीपावली को ध्यान में रखते हुए डीए 4% बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों को साथ में लेकर चलेगी। इस बार गोवर्धन पूजा सरकार मनाएगी। कल धनतेरस का दिन है। 3 नए मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होगा। मैं मंदसौर में उपस्थित रहूंगा और नीमच में उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। ये मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग अस्पताल, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एक के बाद एक विकास हो रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट और सौर ऊर्जा का लक्ष्य पीएम मोदी ने रखा है। सीएम ने कहा, मैं झारखंड जा रहा हूं, जहां बीजेपी प्रत्याशी आज नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। हम इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जो सरकार के विकास के पैमानों को भी पूरा करेगी, लेकिन प्रकृति का भी ध्यान रखेगी, पर्यावरण का भी ध्यान रखेगी। मुझे इस बात का और आनंद है कि दीपावली के पावन अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए हमने अपना महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी आज निर्णय करके मैंने उसको अनाउंस किया है। 46% से बढ़ा करके इसको 50% किया जाएगा और साथ ही साथ इसको 1 जनवरी 2000 से लागू करेंगे। अर्थात पुरानी जो अवधि है, उस अवधि का भी हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और अधिकारी कर्मचारी अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी, अपनी श्रेष्ठता, कर्मठता, उनके समर्पण के बलबूते पर पूरे देश के सभी कर्मचारी अधिकारियों में एक अलग पहचान रखते हैं। मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर के हमारे अपने विकास के संकल्प को पूरा करने का दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ रही है। इस वर्ष तो दिवाली और ख़ास है, जब हमने गोवर्धन पूजा का निर्णय किया और गोवर्धन पूजा के साथ साथ हमारे सभी प्रकार के अलग अलग जो एक के बाद एक सेवाएं मिल रही हैं। कल का वो धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है कि वो धनवंतरी का जन्मदिवस भी है, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री कल हमारे 3 नए मेडिकल कॉलेज का शुभारम्भ करने वाले हैं। सिवनी माननीय गवर्नर माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब वहाँ उपस्थित रहेंगे, मैं मंदसौर में स्वयं उपस्थित रहूँगा, हमारे डिप्टी सीएम नीमच में रहेंगे। अर्थात मेडिकल कॉलेज की नई सौगात मिलेगी, जिसके माध्यम से एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड पूरे देश में एक अलग और प्रकार से बनेगा, जब हमारी संख्या लगातार में वृद्धि हो रही है। और न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और अन्य हॉस्पिटल की सुविधा, ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्घाटन, भूमि पूजन कल होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल के बाद भी ये जो विकास का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मैं चूँकि झारखंड चुनाव में जा रहा हूँ और झारखंड में आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने का दिन है, तो मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आया था। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति बधाई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।